दोस्तों इंडिया में जितने भी यूट्यूबर हैं उनमें से लगभग 90% लोगों को YT स्टूडियो ऐप का इस्तेमाल करने नहीं आता है। उनको ये पता ही नहीं है कि YT स्टूडियो ऐप का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, क्या सही तरीका है, उसमें सारा डेटा हम कैसे चेक करेंगे और हम अपने चैनल को कैसे ग्रो करेंगे। दोस्तों हम जब भी यूट्यूब चैनल बनाते हैं तो केवल हम ये सोचते हैं कि हम अपने चैनल पर वीडियोज डालेंगे और हमारे व्यूज सब्सक्राइबर बढ़ने लगेंगे और हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और हम पैसे कमाने लगेंगे। दोस्तों 2016 से मैं भी काम कर रहा था, मैं भी कुछ ऐसा ही सोचकर YouTube पर काम करना स्टार्ट किया था, लेकिन फाइनली जो है हमारा चैनल ग्रो नहीं हुआ और वो चैनल हैक भी हो गया। लेकिन मैंने जब ये चैनल स्टार्ट किया तो मैंने जो भी एक्सपीरियंस किया था YouTube से उन सभी को जो है अपने चैनल पर फॉलो किया और फाइनली आप रिजल्ट देख सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि YouTube जो है यूट्यूबर को ग्रो करने के लिए वो सारे फीचर्स, वो सारे ऑप्शन, वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से आप इस्तेमाल अगर उसका सही से करें तो आपका चैनल बहुत ही फास्टली जल्दी ग्रो कर पाएंगे। दोस्तों बस हम YouTube पर वीडियोज डालते हैं और हम सोचते हैं कि वो बंदा ये वीडियो डाल रहा है, वायरल हो रही है, हम भी वही वीडियो डालेंगे, वो बंदा ऐसा काम कर रहा है, हम भी वही काम करेंगे। हम कभी ये नहीं सोचते कि हम जो काम कर रहे हैं उसका सही तरीका क्या है, मतलब YouTube पर हम सही तरीके से कैसे काम करें कि हमारा चैनल ग्रो हो, हम अपने काम के तरीके को नहीं सुधारते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन तभी सक्सेसफुल होती है जब वो अपने बनाए गए नियमों पर लगातार वर्क करती है और अपनी कमियों को दूर करती रहती है। सेम दोस्तों वही जो है आपका YouTube कैरियर पर भी लागू होता है। अगर आप YouTube चैनल चला रहे हैं तो जो भी YouTube आपको टूल्स या सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है उसका जो है सही से पालन कीजिए, उसको सही से फॉलो कीजिए, आपका चैनल देखिएगा ग्रो होने लगेगा। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप बहुत ही लकी हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूं कि आप YT स्टूडियो ऐप का A to Z, A से लेकर Z तक कैसे इस्तेमाल करेंगे ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव सहानी और आपका स्वागत है टेक्नो गुरुदेव यूट्यूब चैनल पर। और हर बार की तरह आपके चैनल को ग्रो करने के लिए, आपकी अर्निंग को बूस्ट करने के लिए और आपके सब्सक्राइबर को बढ़ाने के लिए मैं एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूं। इसी बात पर इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक टेक्नो गुरुदेव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्त मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबाकर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपके साथ मेरा भी चैनल ग्रो हो सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों मैंने अपने फोन में YT स्टूडियो ऐप को पहले से ही डाउनलोड करके रखा है और मैं भी अपने YouTube चैनल को इसी ऐप से मैनेज करता हूं। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। तो दोस्तों YT स्टूडियो के डैशबोर्ड में आपके चैनल का पूरा ओवरव्यू दिखाई देगा, जैसे कि सबसे पहले आपके चैनल का लोगो, आपके चैनल का नेम, सब्सक्राइबर संख्या सबसे ऊपर दिखाई देगी। साथ ही दोस्तों एनालिटिक्स में आपका व्यूज, वॉच टाइम, सब्सक्राइबर, योर एस्टिमेटेड रेवेन्यू लास्ट 28 डेज का यहाँ पर फ्रंट पर ही शो किया जा रहा है, जो कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं एक एरो भी दिख रहा है ग्रीन कलर का। अगर ये एरो दोस्तों ब्लैक कलर का और डाउन दिखे तो इसका मतलब आपके चैनल की परफॉर्मेंस जो है डाउन जा रही है पिछले महीने से। तो ये एरो हमेशा आपको ग्रीन करके रखना है, ठीक है। साथ ही दोस्तों व्यू मोर पर क्लिक करके फुल एनालिटिक्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों लेटेस्ट वीडियो परफॉर्मेंस, आप जो भी वीडियोज लास्ट वीडियोज अपने चैनल पर अपलोड किए हैं उसका परफॉर्मेंस आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता चलता रहता है कि आप जो वीडियोज अपलोड करें उसका परफॉर्मेंस क्या है, पिछली वीडियो से अच्छा है या पिछली वीडियो से खराब है, इसको पहचानने के लिए जो है यहाँ पर एरो दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं सभी एरो डाउन है। इसका मतलब इस वीडियो का परफॉर्मेंस पिछली वीडियो से जो है डाउन है, तो हमको जो है और भी अच्छी मेहनत करनी होगी, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों लेटेस्ट वीडियो परफॉर्मेंस के नीचे आपको यहाँ पर नीचे कंटेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। आप अपने चैनल पर जो भी वीडियोज अपलोड कर रहे हैं वो कंटेंट में आपको यहाँ पर दिखाई देगी। व्यू मोर पर क्लिक करके आप कंटेंट को डिटेल्स में चेक कर सकते हैं। नीचे दोस्तों लेटेस्ट कमेंट का ऑप्शन दिखेगा, जहाँ पर आप जो है जो भी आपके वीडियोज पर लेटेस्ट कमेंट आएंगे वो नीचे आपको दिख जाएगा। तो ये दोस्तों डैशबोर्ड पर आपको ये सारी चीजें दिखाई देंगी, जहाँ पर आप क्लिक करके इनको डिटेल्स में भी देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है एनालिटिक्स का। अगर आप अपने YouTube चैनल को अच्छे से ग्रो करना चाहते हैं तो आपको एनालिटिक्स पर विशेष ध्यान देना होता है। इसको चेक करने का सही तरीका क्या है, जिसको कि बहुत लोग नहीं जानते हैं, जिसकी वजह से वो अपने चैनल पर मेहनत करते रहते हैं लेकिन चैनल ग्रो नहीं होता है। तो दोस्तों एनालिटिक्स को चेक करने के लिए आप नीचे भी बीच में एनालिटिक्स का ऑप्शन है वहां पर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, या यहां पर व्यू मोर पर क्लिक करेंगे तो आपके चैनल का एनालिटिक्स ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं एनालिटिक्स का ओवरव्यू यहां पर ओपन हो गया है। तो यहां पर ओवरव्यू में दोस्तों आपको दो तरह के ऑप्शन मिलते हैं चेक करने का। सबसे पहला है कि जो लास्ट मंथ रहेगा वो दिखेगा और दूसरा है लास्ट 28 डेज। तो अगर आप लास्ट 28 डेज का डेटा देखना चाहते हैं तो यहां पर लास्ट 28 डेज पर क्लिक करके देख सकते हैं, और अगर आप पिछले महीने का डेटा देखना चाहते हैं तो यहां पर आप पिछले महीने के ऊपर जो है क्लिक करके डेटा देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको यहां पर मैसेज भी मिलेगा कि आपका चैनल लास्ट 28 डेज में कितना ज्यादा व्यूज पाया है, वो परसेंटेज में जो है आपको यहां पर शो करता रहेगा। उसके नीचे दोस्तों कुछ स्लाइड है जो कि आप यहां पर देख सकते हैं,
तो सबसे पहली स्लाइड है व्यूज का। व्यूज जो है लास्ट 28 डेज में कितना आया है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, और व्यूज के बगल में जो एरो है अगर वो ग्रीन है तो आपका चैनल लास्ट 28 डेज में ग्रो कर रहा है। उसके बाद दोस्तों अगर आप यहाँ पर स्लाइड चेंज करते हैं तो आपको यहाँ पर वॉच टाइम जो कि आवर्स में शो किया जा रहा है, लास्ट 28 डेज में आपके चैनल पर कितना वॉच टाइम आया है वो आपको यहाँ पर डेटा दिख जाएगा। वॉच टाइम के बगल में अगर एरो ग्रीन है तो आपका वॉच टाइम जो है इंक्रीज हो रहा है, अगर एरो डाउन रहेगा तो आपका वॉच टाइम इंक्रीज नहीं कर रहा है, डाउन हो रहा है, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके नीचे दोस्तों आपको वही चीज़ें बताया जा रहा है कि पिछले दिन के हिसाब से इस बार जो है आपका वॉच टाइम कितना ज़्यादा आया है। आप यहाँ पर क्लिक करके प्रतिदिन का वॉच टाइम आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, उसी के हिसाब से जो है आप अपने चैनल पर परफॉर्मेंस के हिसाब से काम कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एस्टिमेटेड रेवेन्यू, आपका जो भी एस्टिमेटेड रेवेन्यू लास्ट 28 डेज पर आपके चैनल पर बना होगा वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, और अगर एरो ग्रीन है तो आपके चैनल पर जो भी अर्निंग हो रही है वो पिछले दिन के हिसाब से इस बार ज़्यादा हुई है, अगर एरो डाउन है तो पिछले महीने के हिसाब से या लास्ट 28 डेज के हिसाब से जो है इस बार कम हुई है। तो दोस्तों ये हो गया आपके YouTube चैनल के डैशबोर्ड का ओवरव्यू, जहाँ पर आप जो है ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। नीचे दोस्तों अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको अंडरस्टैंडिंग योर परफॉर्मेंस, आप यहाँ पर अपने परफॉर्मेंस को अच्छे से समझ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों टॉप वीडियोज का यहाँ पर आपको सेक्शन मिल जाएगा, आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर दिखाई देगा कि लास्ट 28 डेज में कौन सी वीडियोज टॉप पर चल रही हैं, कौन सी वीडियोज पर ज़्यादा व्यूज आपको मिले हैं, तो आप यहां पर डेटा चेक कर सकते हैं। बहुत सारे डेटा यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि आप डिटेल्स में यहां पर चेक कर सकते हैं। ये हर वीडियो से जो कंपेयर करता रहता है कि कौन सी वीडियो जो है आपकी लास्ट 28 डेज में ज़्यादा परफॉर्मेंस कर रही है। उसके बाद दोस्तों अगर आप यहां पर नीचे आते हैं तो रियल टाइम व्यूज का आपको ऑप्शन मिलता है, तो आप यहां पर देख सकते हैं अगर आप यहां पर क्लिक करते हैं तो रियल टाइम लास्ट 48 आवर्स में कितने व्यूज आ रहे हैं आपके चैनल पर वो आप यहां पर देख सकते हैं, और लास्ट 60 मिनट पर भी आप क्लिक करके यहां पर चेक कर सकते हैं कि एक घंटे में जो है आपके चैनल पर कितने व्यूज आए हैं वो आप यहां पर देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों टॉप वीडियो जो कि लास्ट 60 मिनट्स में आप यहां पर देख सकते हैं कि टॉप वीडियोज कौन सी चल रही हैं, उसी के हिसाब से आपको किस टाइप की वीडियोज बनाना चाहिए, लास्ट 48 आवर्स में आपके चैनल पर कौन सी वीडियो जो है चल रही हैं उसके हिसाब से आपको जो है अपने चैनल पर वीडियोज बनाना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों यहां पर रियल टाइम का भी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाता है जो कि पहले नहीं होता था। अब दोस्तों यहां पर ओवरव्यू के बाद आपको अगला ऑप्शन रीच का मिलता है, अगर आप यहां पर क्लिक करते हैं तो आपके चैनल की रीच क्या है, आपके वीडियोज की रीच क्या है, उसके बारे में आपको यहां पर जानने को मिलेगा। तो सबसे पहला ऑप्शन है दोस्तों इंप्रेशन का, आप यहां पर देख सकते हैं इंप्रेशन शो किया जा रहा है जो कि लैक्स में है, लास्ट 28 डेज में कितना ज्यादा इंप्रेशन जो है हमारी वीडियोज का दिया है यूट्यूब ने, तो आप यहां पर देख सकते हैं। उसके साथ ही दोस्तों अगर आप यहां पर जो है क्लिक कर देखना चाहते हैं कि पर डे जो है कितना इंप्रेशन भेजा जा रहा है तो भी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। अगर आपका इंप्रेशन डाउन हो रहा है दोस्तों तो इसकी मतलब कि आपकी वीडियोज को जो है लोग ज़्यादा नहीं देख रहे हैं और आपकी वीडियो जो है सजेस्ट नहीं की जा रही है, तो आपको अपनी पुरानी वीडियोज के हिसाब से और भी अच्छे तरह के कंटेंट बनाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट, आपके इंप्रेशन पर दोस्तों कितना क्लिक हुआ है वो यहाँ पर दिखाई देगा परसेंटेज में, जो कि है 6.2%, मतलब जो भी इंप्रेशन भेजा गया उस पर जो है 6.2% लोगों ने क्लिक किया, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्लिक करके जो है इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो है पर डे के हिसाब से क्लिक दिखा रहा है कितना इंप्रेशन पर जो है क्लिक हो रहा है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पर आपको व्यूज का ऑप्शन मिल जाएगा, लास्ट 28 डेज पर कितना व्यूज हमारे चैनल पर आया है वो डेटा आप यहां पर देख सकते हैं, और उसके बाद यूनिक व्यूवर्स, आप यहां पर दोस्तों क्लिक करेंगे यूनिक व्यूवर्स पर तो जो भी नए व्यूवर्स हैं वो कितने आ रहे हैं हमारे चैनल पर उसके हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट 28 डेज का डेटा है दोस्तों, और यहाँ पर डे के हिसाब से भी आप यूनिक व्यूवर्स देख सकते हैं जो कि नए व्यूवर्स जो है आपके चैनल पर आ रहे हैं, तो आप यहाँ पर जो है स्लाइड पर ये सारी चीज़ें जो है चेक कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर ट्रैफिक सोर्स, ट्रैफिक सोर्स में दोस्तों आप देख सकते हैं कहाँ से आपके चैनल पर ट्रैफिक आ रहा है, जैसे कि यूट्यूब सर्च से, ब्राउज फीचर से, सजेस्टेड वीडियो और अदर यूट्यूब फीचर, तो आप यहाँ पर क्लिक करके सोर्स देख सकते हैं कहाँ से ज़्यादा सोर्स आ रहा है। यूट्यूब सर्च से अगर आपके जो है ट्रैफिक ज़्यादा है तो आपका चैनल परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा है, आपकी वीडियोज लोगों को पसंद आ रही है और यूट्यूब के थ्रू जो है आपके वीडियोज को लोग ज़्यादा देख रहे हैं। दोस्तों ये सारी चीज़ें भी आप देख सकते हैं कि आपके जो भी वीडियोज पर लोग देखने आ रहे हैं वो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, तो ये सारे जो है डेटा आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। टॉप एक्सटर्नल सोर्सेज, आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों कि टॉप एक्सटर्नल सोर्सेज क्या है, तो सबसे पहले नंबर पर व्हाट्सअप है, मतलब कि हमारी वीडियोज को जो है लोग व्हाट्सअप पर लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं और वहां से जो है ट्रैफिक हमारे चैनल पर ज़्यादा आ रहा है, हमारे वीडियोज को जो है व्हाट्सअप के शेयर किए गए लिंक से क्लिक करके लोग ज़्यादा देख रहे हैं। और यहाँ पर दोस्तों आपको एक बात का नोटिस करना है कि आपको एक्सटर्नल सोर्स पर जो है कोई ऐसे एप्लीकेशन या कोई ऐसी वेबसाइट तो नहीं दिखाई दे रही है जो कि लीगल है, वरना आपके चैनल पर इनवैलिड क्लिक भी आ सकता है, तो आप यहाँ पर एक्सटर्नल सोर्स पर जो है क्लिक करके वो सारे डेटा को चेक कर सकते हैं कि बाहर से ट्रैफिक आपके जो है वीडियोज पर कहां से आ रही है, चैनल पर कहां से आ रही है।
टॉप यूट्यूब सर्च टर्म्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो भी वीडियोज है YouTube पर क्या सर्च करने पर सजेस्ट की जा रही है, तो यहाँ पर वो सारे जो है कीवर्ड आपको दिखाई देंगे जो भी आपकी वीडियोज उनके नीचे जो है सर्च करने पर आ रही है, ठीक है। उसके साथ ही दोस्तों आप यहाँ पर टॉप प्लेलिस्ट प्लेइंग योर कंटेंट, जो भी आपने प्लेलिस्ट बना रखा है अपने चैनल पर उनमें से कौन सी जो है प्लेलिस्ट सबसे ज़्यादा जो है प्ले की जा रही है वो सारा जो है आपको यहाँ पर दिखाई देगा, या आपकी जो भी वीडियो जो है लोग अपने प्लेलिस्ट में ऐड कर रखे हैं उनके प्लेलिस्ट में कहां कहां से देखी जा रही है। अब दोस्तों यहां पर रीच के बाद अगला ऑप्शन है एंगेजमेंट का, आपके चैनल पर ऑडियंस का एंगेजमेंट कैसा है, आपके वीडियोज को लोग कितना ज़्यादा देखना पसंद कर रहे हैं वो डेटा आप यहां पर देख सकते हैं। तो सबसे पहला है यहां पर वॉच टाइम, जो कि आप घंटे में देख सकते हैं। अगर दोस्तों आपका वॉच टाइम इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है तो ऑडियंस का एंगेजमेंट जो है आपके चैनल पर अच्छा है, अगर वॉच टाइम जो है डाउन होता हुआ दिख रहा है तो आपका जो है ऑडियंस का एंगेजमेंट जो है आपके चैनल पर डाउन हो रहा है, उसको सुधारने की जरूरत है। आप यहाँ पर दोस्तों एवरेज व्यू ड्यूरेशन देख सकते हैं, मतलब आपके वीडियोज को कितना ड्यूरेशन तक लोग देख रहे हैं, इसको आप अगर ज़्यादा करेंगे तो आपकी वीडियोज और भी ज़्यादा सजेस्ट में जाती रहेंगी, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। टॉप कार्ड, दोस्तों आप जो अपने वीडियोज में कार्ड लगाते हैं कौन सा कार्ड जो है सबसे ज़्यादा जो है क्लिक हो रहा है, किस पर जो है ज़्यादा क्लिक करके लोग देख रहे हैं वो आप यहाँ पर परफॉर्मेंस देख सकते हैं, उसी के हिसाब से आप कार्ड भी अच्छे अच्छे लगा सकते हैं अपने चैनल के वीडियोज पर। टॉप प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया, जो भी आप प्लेलिस्ट बनाए होंगे उसके हिसाब से जो भी आपकी वीडियोज पर क्लिक या इंगेजमेंट आ रही है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों टॉप प्लेलिस्ट में आपको यहाँ पर अपनी चैनल के प्लेलिस्ट के साथ साथ दूसरे चैनल के प्लेलिस्ट को भी यहाँ पर दिखाया जाएगा, अगर आपके वीडियोज को कोई अपने प्लेलिस्ट में ऐड किया है वहाँ से जो है व्यूज आ रहे हैं तो आपको जो है यहाँ पर वो भी दिखाया जाएगा आपका प्लेलिस्ट, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगला ऑप्शन है एंगेजमेंट के बाद ऑडियंस का, ऑडियंस में दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जो कि आपको केयरफुली जो है चेक करना चाहिए और इसी से आप अपने चैनल को अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। रिटर्निंग व्यूवर्स, आप यहां पर देख सकते हैं कि आपके चैनल की वीडियोज को देखने के बाद फिर दोबारा से कौन कौन देखने आ रहा है वो सारी चीज़ें आप यहां पर देख सकते हैं। रिटर्निंग व्यूवर्स का दोस्तों अगर एरो ग्रीन रहेगा तो इसका मतलब जो भी लोग आपके चैनल को सब्सक्राइब किए हैं वो दोबारा से आपकी वीडियोज को देख रहे हैं, या आपकी वीडियोज को जो लोग भी पहले देख चुके हैं वो दोबारा से आपके वीडियोज को देख रहे हैं, आपकी वीडियोज उनको सजेस्ट की जा रही है तो वो आपकी वीडियोज को क्लिक करके देख रहे हैं, तो ये आपका परफॉर्मेंस जो है अच्छा होना चाहिए तभी आपका चैनल का जो है ग्रो अच्छा होगा। आप दोस्तों यहाँ पर क्लिक करके जो है डिटेल्स में देख सकते हैं यहाँ पर रिटर्निंग व्यूवर्स और न्यू व्यूवर्स, मतलब जो भी रिटर्निंग व्यूवर्स हैं आपके चैनल को सब्सक्राइब किया दोबारा आपके वीडियोज को देख रहे हैं, और न्यू व्यूवर्स मतलब जो भी लोग नए आ रहे हैं वो डेटा आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके साथ ही दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में यूनिक व्यूवर्स, मतलब आपके चैनल पर जो नए लोग आ रहे हैं उसकी संख्या आपको यहाँ पर दिख जाएगी तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप जो है नीचे आएंगे तो व्हेन योर व्यूवर्स आर ऑन यूट्यूब, आप यहाँ पर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट ये ऑप्शन है, आप यहाँ पर पता लगा सकते हैं कि आपकी जो भी ऑडियंस है वो यूट्यूब पर कब ज़्यादा एक्टिव है। यहाँ पर दोस्तों जो सबसे ज़्यादा पिंक वाला भाग है उसी टाइम जो है आपकी ऑडियंस सबसे ज़्यादा यूट्यूब पर एक्टिव रहेगी, आपको इस बात को ध्यान रखना है। अगर आप उसी टाइम वीडियोज अपलोड करेंगे तो आपको जो है वीडियोज पर अच्छे खासे परफॉर्मेंस देखने को मिलेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि टाइमिंग के साथ जो है पिंक वाला भाग जब आपका ज़्यादा कलरफुल रहे उसी समय जो है आपकी ऑडियंस जो है यूट्यूब पर ज़्यादा एक्टिव रहती है, उसी टाइम आपको वीडियोज अपलोड करना चाहिए। फ्यू व्यूवर्स मैनी व्यूवर्स, आप देख सकते हैं गहरा पिंक वाला भाग जो है मैनी व्यूवर्स का है, तो आप यहाँ पर ये चीज़ें चेक कर सकते हैं। उसके साथ ही दोस्तों आप यहां पर एज चेक कर सकते हैं कि किस टाइप की ऑडियंस, किस एज की ऑडियंस जो है आपके चैनल की वीडियोज को ज़्यादा देखना पसंद कर रही है, आप यहां पर क्लिक करके वो डेटा देख सकते हैं। तो 18 से 24 साल की ऑडियंस जो हमारे चैनल पर ज़्यादा है तो उसी हिसाब से हमको वीडियोज बनाना चाहिए, उन्हीं के हिसाब से उन्हीं के माइंड के हिसाब से जो हमको बातें करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे बात करेंगे आप तो आपके जो भी वीडियोज रहेंगे उसको लोग लंबे समय तक देखेंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जेंडर का ऑप्शन है, आप यहाँ पर जेंडर में देख सकते हैं कि कौन से टाइप के जेंडर जो है आपके चैनल को ज़्यादा देखना पसंद कर रहे हैं, मेल फीमेल यूजर स्पेसिफाइड, तो आप यहाँ पर जो है उसी के हिसाब से जो है चैनल पर अपने कंटेंट अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद टॉप जियोग्राफिक्स, आप यहाँ पर दोस्तों टॉप जियोग्राफिक्स में देख सकते हैं कि किस कंट्री से ज़्यादा लोग आपके जो है वीडियोज को देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो है कुछ ही कंट्री दिखाई जा रही है जैसे कि इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल सऊदी अरबिया, तो यहाँ से जो है जो भी कंट्री से ज़्यादा लोग देख रहे हैं उसी कंट्री के हिसाब से आपको उसी लैंग्वेज के हिसाब से वीडियोज बनाना चाहिए, उन्हीं कंट्री के लोगों के हिसाब से आपको बातें करनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर वॉच टाइम फ्रॉम सब्सक्राइबर्स, अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको पता चल जाएगा दोस्तों कि आपके जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उससे वॉच टाइम कितने आ रहे हैं और जो भी आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उससे वॉच टाइम कितने आ रहे हैं। तो हमेशा दोस्तों आपको जो भी लोग सब्सक्राइब किए हैं उनका वॉच टाइम ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज में आना चाहिए तभी जाके आपके चैनल का परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, ठीक है होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं नॉट सब्सक्राइब से ज़्यादा परसेंटेज में वॉच टाइम आ रहा है और जो भी लोग सब्सक्राइब किए उससे जो है कम परसेंटेज में वॉच टाइम आ रहा है, तो ये जो है रेशियो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। अदर वीडियोज डैट योर ऑडियंस वॉचेज, अब दोस्तों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है ये
कि हमारी जो ऑडियंस है वो अदर वीडियोज कौन कौन सा देख रही हैं वो भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। आप देख सकते हैं कि मेरी वीडियोज जो भी मेरी ऑडियंस है वो दूसरे चैनल पर जाकर किसकी वीडियोस देख रही हैं उसी के हिसाब से जो है आपको वीडियोस बनानी होंगी। अगर आपकी ऑडियंस जो है दूसरे चैनल पर जाकर जो वीडियो देखना पसंद कर रही हैं, अगर आप उसी हिसाब से फिर नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो आपकी ऑडियंस जो है आपकी वीडियोज़ को ज़्यादा देखना चाहेंगे, ठीक है। साथ ही दोस्तों नीचे जो है अदर चैनल दैट योर ऑडियंस वॉचेज, मतलब हमारी जो ऑडियंस है वो अदर चैनल किस चैनल के ऊपर जा रही हैं उसी के हिसाब से आपको जो है कंटेंट अपलोड करना चाहिए। जिस चैनल पर हमारी ऑडियंस जा रही हैं, जो चैनल है वो किस टाइप का कंटेंट बना रहा है, उसी टाइप से हमको जो अपने चैनल पर वीडियोज डालनी होगी, तभी जाकर हमारा जो है वीडियोज परफॉर्मेंस अच्छा होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आखिरी ऑप्शन है रेवेन्यू का, जो कि आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जिससे कि आप अपने यूट्यूब चैनल की अर्निंग बढ़ा सकते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं सबसे पहले स्लाइड में योर एस्टिमेटेड रेवेन्यू, जो कि लास्ट 28 डेज में आपकी जो भी अर्निंग बनी होगी वो यहां पर आपको दिखाई देगी। और यहां पर दोस्तों अगर आपका ग्रीन कलर का अप का एरो होगा तो इसका मतलब है पिछले लास्ट 28 डेज से जो है आपकी अर्निंग इस बार ज़्यादा हुई है। आप यहां पर क्लिक करके दोस्तों प्रतिदिन का जो है अर्निंग देख सकते हैं, डॉलर में आपको यहां पर दिखाई देगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पर आरपीएम का ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहां पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो आरपीएम जो है आपका वो वैल्यू होता है दोस्तों जो कि आपने 1000 व्यूज से जो है कमाया है, मतलब 1000 व्यूज पर आपका जो भी एड्स आया है उससे जो भी आपके रेवेन्यू बने हैं वो आरपीएम होता है। साथ ही दोस्तों यहां पर नेक्स्ट ऑप्शन है सीपीएम का, सीपीएम वो वैल्यू होता है दोस्तों जो कि एडवर्टाइजर 1000 व्यूज पर एड दिखाने का कितना पैसा खर्च कर रहा है वो आप यहां पर देख सकते हैं। तो अगर आपका आरपीएम सीपीएम डाउन जा रहा है तो आपकी अर्निंग भी डाउन होगी। तो इसको जो है दोस्तों बढ़ाने के लिए बहुत लोग पूछते हैं कि सर आरपीएम सीपीएम कैसे बढ़ेगा, तो इसको बढ़ाने के लिए आपको अच्छे क्वालिटी का कंटेंट, आपको अच्छे कैटेगरी का कंटेंट बनाना होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मंथली एस्टिमेटेड रेवेन्यू आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर मंथ वाइज जो है आपका एस्टिमेटेड रेवेन्यू शो किया जाएगा, आप यहां पर मंथली जो है चेक कर सकते हैं। नीचे दोस्तों टॉप अर्निंग वीडियोज, आपकी कौन सी वीडियो जो है टॉप अर्न कर रही है उसी के हिसाब से आप नई वीडियो बनाएंगे तो उससे भी आपकी अर्निंग ज़्यादा होगी। रेवेन्यू सोर्सेज, आपके रेवेन्यू सोर्सेज कहाँ कहाँ से आ रहे हैं वो भी आप यहाँ पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हैं एड टाइप्स, मतलब आपके चैनल पर जो भी एड्स हैं वो कितने परसेंटेज में शो किए जा रहे हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों टॉप जियोग्राफिकल बाई सीपीएम, मतलब किस कंट्री में 1000 व्यूज पर एडवर्टाइजर ज़्यादा पे कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर उस कंट्री को देख सकते हैं। अगर आप उन्हीं कंट्री का जो है कंटेंट अपने चैनल पर अपलोड करेंगे तो आपकी ज़्यादा अर्निंग होने के चांसेज होंगे, लेकिन दोस्तों जिस भी कंट्री में आप रहते हैं उसी कंट्री का आपको कंटेंट अपलोड करना होता है। और हाँ, इंग्लिश में अगर आप वीडियो बनाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में तो आपके जो है जो भी आपका सीपीएम है वो ज़्यादा हो सकता है, आरपीएम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। साथ ही दोस्तों जाते जाते मैं आपको एक और ऑप्शन बता देना चाहता हूँ व्हाट इज वीडियो का, अगर आप यहाँ पर चैनल के लोगों के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर दोस्तों आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलता है तो आप यहाँ पर डार्क थीम, पुश नोटिफिकेशन और यहाँ पर जो है आप करेंसी भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप जो है चाहते हैं कि आपका जो भी अर्निंग जो है डॉलर में शो रहा है वो रुपये में दिखे तो आप यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर जो करेंसी जो है रुपीज़ को जो है सेट कर सकते हैं, आपको यहाँ पर इंडियन रुपीज़ जो है मिल जाएगा उसको जो है आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, तो जो भी आपका यूट्यूब स्टूडियो में जो है अर्निंग दिखाई देगा वो जो है आपको रुपए में दिखाई देने लगेगा। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप व्हाइट स्टूडियो ऐप का 2022 में पूरी अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक टेक्नोक्रेटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटा दबा दीजिए और ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।